अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। नाथ प्यारे की चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, बजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है, श्री मामती कहे साथ जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चेत दे, लाल आ गया है बैठे इन तखत, लाल आ गया है बैठे इन तखत, श्री मामती कहे मोमिनो ए पाती की हकीकत, अब मुकदमा कहो फरदा रोज कयामत, फरदा रोज कयामत, कामा पहाड़ी से होए, आप अचराती धाम धनी श्री लालदास जी के धाम हृदय से उदयपुर की वितक का प्रसंग वर्णित कर रहे हैं। कल आपने सुना कि किस तरह से दिल्ली के सुंदर सात औरंगजेब के कैद से छूट करके आ जाते हैं, और इधर लाधो मसानी जो उदयपुर में जागृत हो जाते हैं, लाधो मसानी राज परिवार से उदयपुर के राजघराने से संबंधित थे, वो जागृत होते हैं और मुकुंददास जी को कहते हैं कि श्री जी को आप यहाँ ले आइए। आप श्री जी के पास सूचना लेकर मुकुंददास जी आते हैं। लाधु मसानी के भाई उदयपुर में ही रहते थे, सबसे पहले सब सुंदर साथ वहाँ ठहरते हैं लाधु मसानी के भाई के यहाँ, और पुनः जब मुकुंददास जी सूचना देते हैं लाधु मसानी को, तो लाधव मसानी आता है, श्री जी को आदर से अपने घर ले जाता है, एक हवेली में श्री जी को ठहरा देता है, वहां वाणी चर्चा का प्रवाह शुरू हो जाता है। श्री जी के पास उस समय काफी सुंदर साथ आ जाते हैं, खंभात से भी अन्य बनमाले कई सुंदर साथ आ जाते हैं, और समय पर चंचल दयाराम गंगाराम बनारसीदास भी आ जाते हैं, शेख बदल भी बाद में आ जाते हैं। चर्चा होने लगती है तो नूर मोहम्मद श्री जी की चर्चा सुनकर गलित गात हो जाता है, वो पहचान लेता है कि एक हिंदू के तन में हमारा परवरदिगार किस तरह से लीला कर रहा है। आपने पहले चर्चा में सुना होगा किस तरह से श्री देवचंद जी और मिहराज के अंदर मरु देवापी और मरु का जीव लीला कर रहा है। पुराण संहिता में लिखा है कि सुंदरी चंद्रा नमाभ्याम चंद्र सूर्यो माया अंधकार विनाशाय प्रतिबुद्धे भविष्यतः कलयुगे। परम धाम के दो आत्माएं सुंदरी और इंद्रा के जो हैं सूर्य चंद्र और सूर्य नाम वाले तनों में लीला करेंगे। पहले तन का नाम है श्री देवचंद और दूसरे का नाम है मिहिरराज। मिहिर का अर्थ होता है सूर्य, और इन दोनों में सच्चिदानंद परब्रह्म की शक्ति को विराजमान होकर लीला करना है, यह हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया था। उसी प्रकार जैसे सामान्य सी बात है, किसी देश का प्रधानमंत्री भारत आए, या भारत के प्रधानमंत्री मान लीजिए कि आपके सहारनपुर जिले में आए, तो जित कोई अंग्रेजी का संपादक होगा, कोई हिंदी का होगा, कोई किसी भाषा का होगा, सब अपनी अपनी भाषा में समाचार प्रकाशित करेंगे कि प्रधानमंत्री यहाँ पधार रहे हैं।
उसी तरह से सच्चिदानंद परब्रह्म की जिस शक्ति का अवतरण होना था उसको सभी धर्म ग्रंथों ने एक स्वर से साक्षी के रूप में लिया। हिंदू धर्म ग्रंथों में पुराण संहिता, महेश्वर तंत्र, भविष्य दीपिका आदि ग्रंथों में साक्षी थी, तो इसी तरह से कुरान के अंदर यह साक्षी थी कि जब 1100 साल मोहम्मद साहब को इस दुनिया से गए हुए हो जाएंगे तो आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा के रूप में अल्लाह ताला की शक्ति आएगी, कुरान के बातिनी भेदों को खोलेगी और सारे संसार को एक करेगी। वैसे ही जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा था कि अपनी आत्माओं को जगाने के लिए सच्चिदानंद परब्रह्म आएंगे और सभी धर्म ग्रंथों के भेदों को खोलकर अपनी ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञानता का हनन करेंगे। नूर मोहम्मद को जब कुरान की साक्षी मिलती है तो वो विश्वास कर ले जाता है कि भले ही ये मुस्लिम तन में नहीं है लेकिन इमाम मेहदी के रूप में वही अल्लाह ताला की शक्ति लीला कर रही है। जैसे लाल दास जी, भीम भाई, मुकुंद दास जी सब ने ये माना था कि हमारे सच्चिदानंद परमात्मा ही इसमें लीला कर रहे हैं, उसी तरह से जो मुसलमान देखता है तो मानता है कि इसमें हमारे इमाम मेहदी के रूप में अल्लाह ताला की शक्ति कार्य कर रही है। अभी आप सुनेंगे किस तरह से वहाँ जागने का कार्य फैलता है। एक दिन कुछ बारात के साथ लोग आए थे, वो भी उसमें एक सैयद था, श्री जी की चर्चा सुनकर वो पानी पानी हो गया और उसने तारतम ज्ञान ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार सेना की एक टुकड़ी जा रही थी जिसमें कई मुसलमान थे, एक अव्वल खान था, अव्वल खान पठान था, साथ में नूर मोहम्मद भी था। सब चले जा रहे थे घोड़े पर सवार होकर। श्री जी वहाँ चर्चा कर रहे थे, जब देखा कि ये कौन लोग हैं तो नूर मोहम्मद से कहता है अव्वल खान कि नूर मोहम्मद तुम इनकी पहचान करा दो कि ये कौन है, यदि तू मेरे से छिपाएगा तो न्याय के दिन तेरा दामन झटक कर उस दिन मैं पूछूंगा कि तुमने मुझसे सच को छिपाया था। नूर मोहम्मद कहता है कि इनके पास कुरान के बातिनी भेद हैं और ये इस्लाम का कार्य कर रहे हैं। इस्लाम का अर्थ क्या होता है? शांति का मार्ग। लेकिन इस्लाम का अर्थ आतंकवादियों ने क्या लिया है कि हम तलवार के बल से सारी दुनिया को इस्लाम मनवा करके रहेंगे। वो इस्लाम को रोजा, नमाज, हज, जकात और कलमे तक ही सीमित कर देते हैं। क्या अल्लाह ताला किसी अरबी भाषा से बंधा हुआ है या दंड बैठक जो लगाई जाती है नमाज के रूप में केवल उसी से बंधा हुआ है? परमात्मा सबका है, हिंदू का, मुस्लिम का, क्रिश्चियन का। वो सबको प्रेम शांति का ज्ञान देता है। उसने सारी मानवता को सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया है। ये अवश्य है वेशभूषा अलग है, भाषाएँ अलग हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, लेकिन रक्त सबका एक ही है, सबके दो हाथ दो पैर ही होते हैं, सबके अंदर एक ही चेतना होती है। लेकिन मनुष्य लड़ता कब तक है? जब तक उसके अंदर अशिक्षा होती है। आतंकवादियों का एक क्रूर संगठन है जो सारी दुनिया को अपने ही चश्मे से देखता है और सोचता है कि जो भी गैर मुस्लिम हैं वो काफिर हैं, उनको मारकर हम इस्लाम स्वीकार करें। ये इस्लाम का सच्चा रूप नहीं है, इस्लाम का विकृत रूप है जिसमें कुरान के पर्दे में, इस्लाम के पर्दे में खून की नदी बहाई जाती है। जब नूर मोहम्मद ने यह कहा कि ये तो इमाम मेहदी के स्वरूप हैं तो परिणाम क्या होता है? वो चाबुक लेकर अपने हाथ से अपने को मारने लगता है अव्वल खान। उसको लगता है कि परवरदिगार आए बैठे हैं और तू दुनिया में अब तक क्या कर रहा था? उसको प्रेषित हो रहा है। देखिए मुसलमान जब ईमान लाते हैं तो सच्चे दिल से ईमान लाते हैं। जब उसके शरीर पर कई घाव बन गए, श्री जी ने सुंदर साथ को भेजा कि अरे भाई उसको पकड़ो, ये अपने को घायल कर रहा है। सिर्फ बहुत बड़ा सरदार है, पठान सरदार है सेना का, और अब चाबुक से अपने को मारने लगता है। अब श्री जी के चरणों में आता है, चर्चा सुनता है और नतमस्तक होकर तारतम ज्ञान ग्रहण कर लेता है। ये तो घटना हुई। इसके पहले की कुछ विचित्र घटनाएं घटी थी। जब श्री जी चर्चा करने लगते हैं
उदयपुर में तो सारे नगर में शोर फैल जाता है। वहाँ के राणा थे राज सिंह। राणा राज सिंह के पास कोई ना कोई तरह बात लेकर के आता है। कोई कहता है कि इनके तो अनंत लोचन हैं, कोई कहता है कि ये ठग हैं, कोई कहता है कि तुमको मुसलमान बनाने के लिए आए हैं और औरंगजेब ने भेजा है। राणा सबकी बातें सुनता है लेकिन कुछ कहता नहीं है, क्योंकि राजा को बात सबकी सुननी चाहिए, न्याय सोच समझ कर देना चाहिए। कोई प्रशंसा करता है, कोई निंदा करता है। राणा ने अपने कुछ पंडितों को भेज दिया कि जाकर इनकी जानकारी लो कि वास्तव में कौन है। सुना है कि ये धोती भी पहनते हैं, तिलक भी लगाते हैं और कुरान भी पढ़ते हैं, क्या ये बातें सच हैं? जब सारे राजमहल के पंडित आते हैं, श्री जी उनको अवगत करके बैठाते हैं। भागवत के 40 प्रश्न और वेदांत के 15 प्रश्न उनको दिए जाते हैं कि पंडित जनों आप इसका अर्थ बताओ। तो वे पंडित भला कहाँ वेदांत के 15 प्रश्नों का उत्तर जानते थे, वे तो पेट पालने के लिए किस्सा कहानियाँ सुनाने वाले थे। भागवत की कथाएँ करने वाले पंडित भला भागवत के रहस्य को क्या जान सकते थे। उनको उत्तर नहीं आया तो सोचते हैं कि ये तो वैरागी हमारा सारा रोजगार ही नष्ट कर देंगे। इसलिए एक ही तरीका है कि राजा से जाकर इनके खिलाफ बोलना है कि राजा इनको यहाँ से बाहर निकाल दें। वे राणा के पास जाते हैं, कहते हैं कि राणा साहब इनको तो राज में रखना ही नहीं चाहिए, इनको बाहर निकाल दीजिए, ये तो ठग हैं और ये औरंगजेब के भेजे हुए हैं। राणा ने उनकी भी बातें सुन लिया लेकिन कुछ नहीं बोलता है। सुंदर साथ में कुछ खटपट हो रही थी। खटपट क्या थी कि जो सुंदर साथ 4 महीने तक दिल्ली के कैद में औरंगजेब के पास रहे थे, उनके प्रति कुछ के मन में पौराणिक कट्टरता ऐसी थी कि हीन भावना से देख रहे थे। आप पुराने आज से 70 साल पहले का इतिहास देखें तो कोई किसी मुसलमान का दिया हुआ खा ले, छोटी जात का दिया खा ले तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। यहाँ तक कि छोटी जात वालों को लोग अपने कुएं का भी पानी भरने नहीं देते थे, क्योंकि उनका धर्म कर्म छूत छात में लगा हुआ था। सोचते थे कि छोटी जात का खा लेंगे तो हमारा धर्म अशुद्ध हो जाएगा। धर्म इसको नहीं कहते। धर्म के जो 10 लक्षण होते हैं उनका पालन करना धार्मिक जीवन व्यतीत करना है। धृति, धैर्य, क्षमा, दमन, इंद्रियों का दमन, चोरी न करना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, ये सब धर्म के लक्षण हैं। किसी का छुआ खा लेंगे तो आपका धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा, लेकिन उस जमाने में ऐसे ही चलता था। जो कर्मकांडी मानसिकता के थे वो कहते थे कि ये मुसलमानों के पास रहकर आए हैं, इसलिए इनको अपनी पंक्ति में न बैठाओ, इनको दूर बैठाओ। श्री जी ने सोचा कि ये कब तक चलेगा, कहा कि अब चलो सबको उदयपुर के ताल पर चलना है। आप इतिहास के पन्ने पलटिए तो आपको विदित होगा कि उदयपुर में एक बहुत बड़ी झील है जिसको यहाँ उदयपुर का ताल करके लिखा है। महाराणा उदय सिंह ने उसका निर्माण करवाया था। वो इलाका पूरा सुरक्षित है, चारों तरफ पहाड़ों से उदयपुर घिरा हुआ है। आपको विदित होगा कि अकबर बादशाह ने चित्तौड़ को नष्ट करने के उद्देश्य से भयंकर आक्रमण किया था और तब राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ से हटाकर अपनी नई राजधानी बना ली थी उदयपुर। और वहाँ प्राकृतिक झील है, कितना भी सूखा पड़े झील में पानी रहता है। युद्ध में सबसे पहली आवश्यकता होती है पानी, क्योंकि युद्ध में रसद तो चाहिए, पानी नहीं रहेगा तो सेना कैसे लड़ेगी। इसलिए कोई भी राजा जब अपना किला बनाता था तो एक तो देखता था कि वहाँ पानी की व्यवस्था हो जाए, ऊंचाई पर हो, ताकि ऊंचाई से नीचे के शत्रु पर हमला करना सरल होता है। अब श्री जी सब सुंदर साथ को वहाँ ले चले, एक हवेली लेकर वहाँ ठहरे और सबको बैठाकर खंडनी के शब्दों से सबको प्रबोधित किए। जो छूत छात भेदभाव की भावना थी कि ये मुसलमानों के साथ रह कर के आए हैं तो इनको अपनी पंक्ति में नहीं बैठने देना है, उन सुंदर साथ के खंडने के और सबको कह दिया कि देखो मैं वैरागी का वेश धारण करता हूँ और सबको वैरागी होना पड़ेगा।
जिसको मेरे साथ रहना है वो वैरागी बने, नहीं तो यहाँ से चला जाए। स्पष्ट निर्देश दिया। श्री जी ने सबसे पहले अपना बाल मुड़वाया, सिर को मुड़वाया, बालों में बाले और बाले पहने, ये सुमरनी हाथ में ली, जो भी पैरों में पन ही, जो सन्यासियों का भेष होता है, एक जो चोला होता है वो पहनी, और सबको कह दिया कि मेरे साथ रहने वाले को ऐसी वेशभूषा धारण करनी पड़ेगी। अब साथ में थे मुकुंददास जी, जो सबसे अधिक भेदभाव करते थे, वो क्या करें। बीतक कहती हैं, नाच कूद रोए हुए खुशहाल। अब श्री जी को छोड़ नहीं सकते, साथ में रहना है तो सिर मुड़ाना पड़ेगा, जो महात्मा का भेष होता है धारण करना पड़ेगा। अब क्या करें, अब जिनको बालों से मोह था, जिनको साल दो सालों से मोह था, श्री जी ने कहा कि नहीं, कपड़े भी कोई मनमाना नहीं पहनेगा, सबको एक तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे। नीचे श्री जी ने धोती आधी ओढ़ ली आधी पहन ली, और बिछाने के लिए ओढ़ने के लिए गुदड़ी खुद सिल ली, कहा कि सब लोग अपनी गुदड़ी सिलो। ये कद्दू का तुम्बा भी एक नित्यक्रिया के लिए रख लिया, एक खाने एक भोजन वगैरह के लिए। अब परिणाम क्या हुआ, आगे से देखने पर ही पता चलता है कौन लालदास जी है, कौन मुकुंददास जी है, कौन भीम भाई है। पीछे से सबके सिर सफाचट है, कोई पता ही नहीं चल पा रहा था, सबकी एक वेशभूषा है। पहले तो किसी के अच्छे कपड़े थे, किसी के सामान्य स्तर के थे, भेदभाव था। अब विरक्त भेष सबका हो गया तो परिणाम क्या होता है, कोई भेदभाव नहीं रह गया। श्री जी ने जो पन्ना जी सुंदर साथ पहुँचे, सबको कह दिया कि देखो तुम ब्रह्म को जानते हो, इसलिए सारे ब्राह्मण हो, तुम्हारी कोई जाति नहीं है, तुम परम धाम से आए हो, तुम धामी हो। धाम से आए हुए को, धाम में रहने वाले को धामी कहते हैं, इसलिए तुम ये मानो कि तुम परम धाम के धामी हो। तुम्हारी जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र नहीं है, तुम इन सब सबसे ऊपर हो गए। संन्यास में ऐसे ही किया जाता है, जो संन्यास ग्रहण कर लेता है वो चारों वर्णों से परे हो जाता है, उसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं मानना चाहिए। जो महात्मा होकर के जाति पात मानता है, समझना चाहिए कि वो महात्मा अपना है ही नहीं उसके अंदर। अब राणा को जितने पंडित थे सबने बहका दिया था कि ये तुम्हें ठगने आए हैं, मुसलमान बना न दे, इनसे सावधान रहना। राणा एक दिन सोचता है कि चलें मैं वैरागियों का दर्शन तो कर लें। उसने भेष बदला और मुंह छिपाकर खड़ा रहा। उस दिन संयोग से सुंदर साथ रासलीला के कीर्तन कर रहे थे, मग्न होकर के देखने लगा, लेकिन बेचारे को डर था कि कहीं मुझे कोई ठग न ले। उसकी जैसा उसका अंकुर था उतना ही तो लाभ मिल सकता था। अब यहाँ एक विचित्र घटना होती है, औरंगजेब बादशाह आक्रमण कर देता है। आपको विदित है उस दिन मैंने बताया था कि जसवंत सिंह की जो रानी थी उसको वीर दुर्गादास ने औरंगजेब के शिकंजे से बचाकर, क्योंकि वो गर्भवती थी, औरंगजेब ने सोचा था कि जो इस महारानी की संतान होगी उसको मैं मुसलमान बना दूंगा, लेकिन दुर्गादास की तलवार के आगे औरंगजेब की कुछ चल नहीं पाई। जो जसवंत सिंह की महारानी थी उदयपुर के राजघराने की थी, यानी उन महारानी का मायका था उदयपुर। औरंगजेब बदला लेना चाहता था, जसवंत सिंह की महारानी उदयपुर पहुंच चुकी थी, अब उसको आक्रमण करना था। दूसरे उसको पता चल गया था कि ये जो ये बैरागी हैं प्राणनाथ जी के साथ इमाम मेहदी, जो दिल्ली में इमाम मेहदी कहला रहे थे, ये तो सभी लोग हिंदू वैरागी हैं, अपने को इमाम मेहदी कह रहे हैं, और बात सही है, अल्लाह ताला की शक्ति हिंदू तन में ही आनी है, उसको ये बात मालूम थी, लेकिन सोचता था कि सबके सामने चरणों में शीश झुका देगा तो सारे हिंदुस्तान में बात फैल जाएगी। उसके मन में यह था कि सेना भेज कर गिरफ्तार करवा लो, अकेले में जान भी ले लूँगा और सबको कह दूंगा कि मैंने तो कैद खाने में डाल रखा है, क्योंकि मनुष्य
उसका अहंग इतना बड़ा होता है कि वो परमात्मा को छोड़ सकता है लेकिन अपने अहंग को छोड़ना स्वीकार नहीं करता। सेना लेकर के अजमेर आ जाता है और उदयपुर पहुंच जाता है। वहाँ मथुरिया ब्राह्मण से अपने एक दूत को भेजता है। दूत मथुरिया जो ब्राह्मण है, गरीब दास पुरोहित, दूत जो उसका पुरोहित होता है, उसको संदेश भेजता है कि तुम यदि मुसलमान बन जाते हो तो तुम्हें 5 परगने मिलेंगे और नहीं तो लड़ने के लिए तैयार हो। वह सोचता है कि सिसोदिया खानदान हमेशा स्वतंत्रता प्रेमी रहा है और उसके परदादा अकबर ने सारी शक्ति लगाकर महाराणा प्रताप को कभी झुकाने में सफलता प्राप्त नहीं की है। यदि इस वंश को मैं झुका दूंगा तो पूरा देश जो है डर जाएगा और इस्लाम को फैलाना सरल हो जाएगा। उसके एक ही तीर से कई निशाने वो सीधा साधना चाह रहा था। एक तो इमाम मेहदी कहलाने वाले प्राणराजी भी यही हैं, उनको मैं गिरफ्तार कर लूँगा और इस यहाँ के राजा को मुसलमान बना लूँगा तो मेरा काम सफल हो जाएगा। जब दूत गरीबदास पुरोहित को के माध्यम से अपनी बात कहलवाया कि 5 परगने आपको मिल जाएंगे, आप मुसलमान बन जाएंगे, तो आखिर जो उदयपुर का राजघराना था, बप्पा रावल का राजघराना था, जहाँ के महाराणा संग्राम सिंह ने बाबर से टक्कर ली थी और जिनके शरीर पर केवल हथियारों के घाव बने हुए हथियारों से बने हुए घावों के निशान थे। संस्कारों का प्रभाव तो होता ही है। राणा राज सिंह को बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि यदि तू मेरा पुरोहित नहीं होता तो इस तरह की बात करने पर ही तुझे मैं गर्दन काट देता, और अपने कर्मचारियों से कहा कि इस दूत को धक्के मार कर बाहर निकाल दो। दूत को कहा कि जाकर औरंगजेब से कह देना कि यदि कि राजपूतों की तलवार युद्ध के मैदान में तुम्हारी बाट देख रही है, हम कभी भी इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे। आखिर जब औरंगजेब के दूत को इस तरह से अपमानित होकर आना पड़ा तो औरंगजेब को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी सारी सेना वहाँ घेरा लगवा दिया। अब श्री जी के बारे में पंडितों को बहकाने का और अवसर मिल गया। ऐसे तो बीतक साहब में लालदास जी ने आक्रोश के शब्दों में लिखा है, वो ब्राह्मण वर्ग के विपरीत जाता है उस समय की जो भावना कुछ भी हो, लेकिन किसी भी मामले में किसी वर्ग विशेष को दोषी नहीं माना जा सकता। हर वर्ग में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। ये अवश्य है कि जो जन्मना ब्राह्मण का दावा लेते हैं उन्होंने कट्टरता के कारण निम्न वर्गों को भी घृणा की दृष्टि से देखा जिससे ये बातें हुई, और जब मनुष्य को जाति का अहंग आता है तो वो ज्ञान का विवेक खो देता है। इसी संदर्भ में लालदास जी ने बातें कही हैं, वस्तुतः भावना ऐसी नहीं थी। उन्होंने एक दृष्टांत दिया है कि जिस तरह से जब श्री कृष्ण जी का प्रकटन होना था तो गर्भ में आकर ब्रह्मा जी ने स्तुति की और बाद में भूल गए, तो भूलने का कारण यह था कि उनको नारद जी का श्राप लगा हुआ था, क्योंकि रामा अवतार में जब नारद जी को बंदर का मुख मिला तो ब्रह्मा जी ने हंसी कर दी। नारद जी ने उनको श्राप दे दिया कि भविष्य में तुम भी भूल जाओगे और तुम्हारी हंसी होगी। ब्रह्मा जी को इस कारण से श्री कृष्ण अवतार में स्वरूप की विस्मृति हुई, ये पौराणिक मान्यता है। एक भृगु का कथन दिया है बीतक में कि भृगु ने भगवान के छाती में लात मारी, लेकिन भृगु क्या करते, उनको तो आदेश दिया गया था कि जाकर तीनों देवताओं में परीक्षा लो कि कौन बड़ा है। परीक्षा तो परीक्षा ठहरती है। पहले वो ब्रह्मा के दरबार में गए और बिना प्रणाम किए ही बैठ गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं श्राप दूँ, तो सोचा कि कैसे श्राप दें, ये मेरा तो मानसी पुत्र है भृगु, इसलिए पुत्र की ममता करके नहीं दिया। उसके पश्चात वो शंकर जी के पास गए भृगु। शंकर जी ने सोचा कि भृगु ऋषि आए हैं, गले मिले तो ये बैठ गए, शंकर जी को भी प्रणाम नहीं किया था।
तो शंकर जी को क्रोध आया, त्रिशूल उठाया मारने के लिए, तो भृगु जी वहाँ से भाग पड़े। उन्होंने देखा कि शंकर जी में तमोगुण है और ब्रह्मा में रजोगुण है। अब वैकुंठ पहुँचते हैं, विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ सो रहे होते हैं। जाते ही उन्होंने विष्णु भगवान की छाती में लात मारी और फटकारा कि क्या कर रहा है, सो रहा है। विष्णु भगवान उठे और उनके चरण पकड़कर कहते हैं कि ऋषिराज, मेरी छाती कठोर है, आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं लगी। भृगु को ये कार्य ही सौंपा गया था कि तीनों देवताओं की परीक्षा करके आओ, तो भृगु ने ऋषियों के आदेश का पालन किया। उनके मन में विष्णु के प्रति कोई घृणा की भावना नहीं थी। तभी तो रहीम जी ने कहा था, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घट्यो जो भृगु मारी लात। यानी भृगु के बड़प्पन की परीक्षा ली गई थी। जो महान होता है वो विनम्र होता है, जो जितना महान होता है वो छोटों के प्रति स्नेह की भावना रखता है, उनके अपराधों को नहीं देखता। एक जो बात कही गई है कि जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे ब्रज लीला के समय, श्रीकृष्ण जी ने ग्वाल बालों को भेजा कि जाओ उनसे भोजन मांग लो। उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक हम हवन पूरा नहीं कर लेते तब तक प्रसाद नहीं देंगे, और उनको निराश होकर के वापस आना पड़ता है। जब उनकी पत्रियों ने सुना कि श्रीकृष्ण जी ने अपने ग्वाल बालकों को भेजा है, तो घरों से व्यंजन लाकर उनको खिलाए, तब से उनको श्राप लगा। आप मथुरा में जाकर देखेंगे कि दुकान पर उनकी पत्नियां, पंडों की पत्नियां बैठ करके सारा वो लेन देन करती है और काम धाम सारे उनके पतियों को करना पड़ता है। तो ये तो पौराणिक घटनाक्रम है जो राजदरबार के पंडितों ने दुर्व्यवहार किया, साक्षात आए हुए अक्षरातीत को नहीं पहचाना। उस संदर्भ में लालदास जी के मुख से ये आक्रोश भरे वचन निकल गए हैं, अन्यथा चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हर वर्ण में जाएंगे, कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ बुरे लोग मिलेंगे। ये पापी पेट का सवाल होता है जो मनुष्य को धर्म की राह से विचलित कर देता है। अब जब औरंगजेब की सेना ने हमला कर दिया, चारों तरफ से खाइयां खुदवा दी गई शहर के बाहर की तरफ, और मुख्य द्वार पर सेना लगा दी जाती है, उसमें आग जला दी जाती है कि खाइयों को कोई पार करके निकले नहीं, औरंगजेब सेना को प्रवेश करने का आदेश दे चुका है। इसके बाद राजा के पास ये बात जाती है कि इन वैरागी लोगों को यहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये रहेंगे तो कहीं ऐसा नहीं कि औरंगजेब से मिलकर और घातक रूप बन जाए। कुछ लोगों ने कहा कि इनको लूट लिया जाए। आप सोचिए, हिंदुओं का पतन क्यों हुआ? इसी कारण हुआ। आप ट्रेन में जाकर देखिए, मैं इन अवस्थाओं से खुद गुजरा हूं। एक मुस्लिम मौलवी हो या कोई पादरी हो, तो मुस्लिम या क्रिश्चियन उसको जगह दे देंगे, लेकिन एक महात्मा खड़े खड़े पूरे दिन रह जाए तो कोई हिंदू ये नहीं कहेगा कि महात्मा जी यहाँ जगह बच्ची है, बैठ जाइए, क्योंकि ये मैंने जीवन में देखा है। हिंदू पैर फैला करके उस सीट पर भले ही दो ही रहेंगे, लेकिन पैर फैला करके बैठे रहेंगे। मैं एक बार वडोदरा से आया, दिल्ली तक आया, वडोदरा से दिल्ली में किसी भी हिंदू ने नहीं कहा कि आप बैठ जाइए। ये आज से 18 वर्ष पहले की घटना है, जब सरकार से अस्वस्थ अवस्था में थे, मुझे तत्काल आना पड़ा था, मेरे साथ चेयरमैन भी थे रतनपुरी ट्रस्ट के। यानी किसी भी हिंदू ने मुझे 5 मिनट भी बैठने के लिए नहीं कहा कि सीट पर बैठ जाए, जबकि पूरे दिन वो पैर फैला फैला कर लेटे थे। कोई मुसलमान ऐसा सहन नहीं कर सकता, क्रिश्चियन नहीं सहन कर सकता कि कोई पादरी खड़ा रहे और हम बैठे। तो प्रसंग ये चल रहा था, भीमसेन राणा राजा के पास था, उसने कहा कि नहीं महाराज, यदि हिंदू बैरागियों को आप लूटोगे तो बदनाम हो जाओगे सारे देश में, इसलिए इनके साथ लूटपाट करना अच्छा नहीं है, इनको ये कह दिया जाए कि चले जाए। पुनः कोतवाल आया कि आप यहाँ से चले जाइए। सूचना आती है, दो बार
श्री जी कहते हैं कि अब यहाँ रहने का नहीं बनता, राज्य यहाँ से ले चलना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा वातावरण यहाँ बन रहा है कि हमें यहाँ रहने के लिए उचित नहीं जान पड़ता। अब श्री जी ने जितने वस्त्र थे सब सुंदर साथ में बांट दिए। राज दरबार के जो भी कर्मचारी थे उन सबको भी वस्त्र बांट दिए गए। सिरोपाव पहना करके राजा ने, श्री जी ने जो महल के बड़े बड़े अधिकारी थे उनको विदा किया और कहा कि हम आपके यहाँ से जा रहे हैं, सबके लिए मेरी शुभकामना है, राज्य का ऐसा आदेश हो रहा है कि हम यहाँ से चले जाएं। अब श्री जी वहाँ से चल देते हैं। इधर उदयपुर में भयंकर मारकाट मचती है और उस मारकाट में किसी का हाथ कटा, किसी का कुछ, भयंकर युद्ध हुआ था। श्री जी यहाँ से रामपुरा की हवेली में पहुँचते हैं। रामपुरा एक गांव पड़ता है जहाँ पुरल चालन रहा करता था, वहाँ सुंदर साथ ने ईंटें बनाई और उसको वहाँ श्री जी के रहने के लिए कुछ छोटा सा मकान बना दिया। धीरे धीरे कुछ समय बीतने के पश्चात वहाँ वेरी साल जो राणा का भाई था पुनः वहाँ आकर के लूटना चाहता है। देखिए राज्य है हिंदुओं का और लूटना किसको चाह रहा है? हिंदू वैरागियों को। मुसलमान कितना भी बुरा होगा मस्जिद से चोरी करना नहीं चाहता। आप हिंदू मंदिरों के या हिंदू स्थानों के जितने रिकॉर्ड देखेंगे उसमें घोटाला मिलेगा, चाहे ट्रस्ट के लोग लूटते हों, चाहे जो महंत भी है, जो भी है कि जिसके हाथ में लग जाए कोई न कोई लूटता है। मुसलमान का ईमान इतना होता है कि वह मस्जिद में काम भी करेगा तो पूरी मजदूरी भी नहीं लेगा, कुछ न कुछ छूट करेगा। हिंदू में यह देखने को कम मिलता है क्योंकि उनको हजार साल की गुलामी ने संस्कारों से इतना रहित कर दिया है कि हिंदू को केवल पैसे का लोभ रहता है, पैसा मिले चाहे कहीं से मिले। इसका मूल कारण है धार्मिक शिक्षा का न होना। धार्मिक शिक्षा की कमी से भक्तिभाव तो हिंदू में है, हिंदू सात्विक आहार करता है, सरल हृदय होता है, लेकिन हिंदू समाज की स्थिति ऐसी है जब कोई तालाब में पानी भरा होता है तब कमल का फूल खूब खिलता है, लेकिन जब पानी सूख जाता है तो कमल का फूल मुरझा जाता है। वैसे ही पहले हिंदू धनवान थे, हजार साल की गुलामी में कंगाल हो गए तो तृष्णा बनी हुई है कि हम पहले धनवान थे तो धनवान जल्दी कैसे हो जाएं, इसलिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। यही कारण है कि जिन हिंदुओं में धार्मिक संस्कार परिपक्व नहीं होते वो मंदिर को लूटने में या कुछ भी करने में देर नहीं लगाते। देश के अधिकतर मंदिरों का रिकॉर्ड यदि उनके ट्रस्ट का देखा जाए तो ट्रस्ट के लोग ही काफ़ी कुछ पैसा हड़प कर जाते। जितने बड़े बड़े मंदिर हैं देश में वो ये नहीं सोचते कि ट्रस्ट बना है रक्षा करने के लिए, तुम रक्षक हो। ट्रस्ट का उद्देश्य विश्वास करना। यदि ट्रस्ट के लोग ही मंदिर या आश्रम की संपत्ति को लूटने लगेंगे तो बचेगा क्या? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर उसका सहारा कौन हो सकता है। अब श्री जी वहाँ कुछ दिन विश्राम करते हैं, कृपाराम आते हैं और कृपाराम ने आकर सारी बात बताई कि धामधनी उदयपुर में बहुत बुरा सुंदर साथ का हाल हुआ है, आप जैसे ही आए औरंगजेब की सेना ने नगर में प्रवेश किया, भयंकर मार काट-कट मची, तब इंद्रावती की आत्मा ने मूल स्वरूप से राज्य से प्रार्थना की जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब को अचानक ही दिल्ली जाना पड़ा और 6 किरंतन उतरे। उन 6 किरंतनों का पाठ करने पर निश्चित रूप से माया के संकटों से छुटकारा मिलता है। उन 6 किरंतनों में प्रार्थना की गई है, हवे हरिया हरिया कहो बार केटली राखो रोतियो करो निर्मलना। हे धामधनी मैं कितनी बार कहूँ कि मैं आपसे हार गई हूँ, हमें इतना दुख ना देखना पड़े। और परिणाम क्या होता है कि औरंगजेब
अपनी सेना लेकर के तुरंत दिल्ली चला जाता है। सुंदर साथ का जो संकट था उदयपुर का वो टल जाता है। जो सुंदर साथ किन्नी कष्टों में रहते हैं, माया के कष्टों में, इन छह प्रकरणों का जो पाठ करते हैं, वालो विरह रस भिनो विरहमा रंग रमाण तो वासना रुदल करे जलधा। हे प्रियतम अक्षरातीत, आपकी वासनाएं इस माया के संसार में रुदन करे जलधार। दुख से पीड़ित होकर इतना रो रही है कि उनकी आंखों से आंसू की धारा बह रही है। ये छह प्रकरण बहुत प्रेम भरे हैं। आपको किसी भी संकट की निवृत्ति के लिए न किसी ओझा के पास जाना है, न किसी मौलवी के पास जाना है। सच्चे हृदय से, राजी से जो भी संकट हो प्रार्थना कीजिए, संकट तो चल ही जाता है। और संकटों को टालने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी देवी देवता के यहाँ जाकर सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं। आप रात को सोते समय सच्चे हृदय से, राजी से प्रार्थना कीजिए और जो आप करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, उसको 5 बार दोहराइए। नकारात्मक भाव से नहीं, सकारात्मक भाव से। सवेरे उठने के पश्चात जो आप चाहते हैं, संसारिक कामना की पूर्ति करना चाहते हैं कि हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए, उसको 5 ध्यान करके शांत मन से दृढ़तापूर्वक 5 बार दोहराइए। परिणाम यह होगा, आपके अवचेतन में वो बात चली जाएगी और आपकी कामना की पूर्ति हो जाएगी। तहकीक अर्ज पहुँचते हैं जो भेजिए पाक दिल। पवित्र हृदय से जो कुछ कहा जाता है वह पूरा होता है। इसलिए आज हिंदू समाज जहाँ भी देखे, किसी मंदिर में जाएगा, नारियल चढ़ाएगा, मिठाई के पैकेट चढ़ाएगा। कुछ लोग तो इतने भटक चुके हैं कि अपनी संसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। पशुओं की बलि तो चढ़ाते ही हैं, मनुष्य की भी बलि चढ़ा देते हैं। कई तांत्रिकों की क्रियाएं ऐसी देखने को मिलती हैं, पेपरों में बात छपी रहती है। किसी स्त्री के पुत्र नहीं होता तो पड़ोसी के पुत्र को का अपहरण करवाकर उसकी हत्या करवा देती है। तांत्रिक उसकी हत्या कर देता है कि इनके पुत्र हो जाए। ये महापाप है। अपने घर संतान की पैदाइश के लिए दूसरे के बच्चे की हत्या करने से बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। लेकिन हिंदू समाज धर्म की राह पर नहीं चल पा रहा है, वो तांत्रिक क्रिया का सहारा लेता है। भई यदि आपको पुत्र चाहिए तो परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, किसी वैद्य या डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन तांत्रिक क्रिया के नाम पर किसी देवी की मन्नत मांगकर किसी जानवर की बलि चढ़ाना या किसी बच्चे की बलि चढ़ाना, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं होता है। शुद्ध हृदय से जो कुछ आप कहेंगे रात को सोते समय और सवेरे उठने के बाद, वो अवश्य पूरी होती है। ये इसे ही, ये किरंदन के 6 प्रकरण जो सब सुंदर साथ के कष्टों की निवृत्ति के लिए उतरे हैं। अब श्री जी वहाँ से चल पड़ते हैं। वहीं मैं प्रसंग कर रहा था कि बेरी साल ने आक्रमण करने का मन में लिया तो पूरन चारण की जो माँ थी वो बुढ़िया थी, हाथ में डंडा लेकर बेरी साल और उसके साथियों के समक्ष आ गई और कहा कि देखो ये बैरागी मेरे अतिथि हैं, यदि तुमने कुछ भी बुरी नियत की, इनके ऊपर हाथ उठाने का प्रयास किया तो जैसे गधे को पीटा जाता है वैसे ही मैं तुम्हें मारूंगी। बेचारी बुढ़िया में इतनी शक्ति कहाँ थी, लेकिन उसमें आत्मबल था। अब बेरी साल को लगा कि एक बूढ़ी औरत मुझको डांट रही है और कह रही है कि तुम्हें धिक्कार है, हिंदू राणा के भाई होकर महात्माओं की तुम्हें रक्षा करनी चाहिए, तुम इन्हीं महात्माओं को लूट रहे हो, कितना बड़ा पाप कर्म है। बेरी साल शर्मिंदा होकर के वहाँ से चला गया। अब श्री जी वहाँ से चल देते हैं सब सुंदर साथ के साथ। आपने किरंतन सुना, कारी कामरी रे मुको प्यारी लागे तो, सब श्रृंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांध्या तुझसो। कारी कामरी क्या है? प्रेम का प्रतीक। सब श्रृंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांधता तुझसो, कामरी पहरी ब्रजवधु और सुंदर वर श्याम भी पहरी मोहम्मद ने और पहरी इमाम, पट पहर खाई चिकना हेम जवीर सिंगार, हक लज्जत अई मोमिनो जिन दुनी करे मुर्दार। अब ये कौन है? परम धाम के सुंदर साथ है ब्रह्मुनि। राज्य ने इनको बैरागी भेष धारण करा दिया है। किस लिए? आप देखेंगे सुंदर साथ के समूह में चिंतामणि गादीपति हैं, भीम भाई वेदांत के आचार्य हैं,
लालदास जी कभी के करोड़ोंपति रह चुके हैं, सब लोग हैं। मुकुंद दास जी बहुत बड़े आचार्य हैं सूरत के, छोटे बड़े सब सुंदर साथ हैं। जब तक वैराग्य भेष नहीं आता तब तक सबको अपने घर की याद आती रहती है। अरे मैं तो करोड़पति था, कोई सोचता है कि मैं गादीपति था, कोई सोचता है कि मैं घर पर ये खाता पीता था। अब सबको एक जैसी वेशभूषा दे दी गई है, एक जैसा खाना पीना है, तो परिणाम क्या है कि संसार आधा तो छूट जाता है। यदि संन्यास के नियमों का सही तरीके से पालन किया जाए तो घर का मोह छूट जाता है। अब ये वर्णित है कि श्री जी ने कैसा श्रृंगार किया था। श्वेत गोपी चंद का तिलक कर रखा है, पैरों में पनी यानी खड़ाऊ है, सेली है, सुमरनी है, एक छड़ी भी ले रखी है, मुतका भी है, दो तुम्बा ले रखा है। श्री जी फकीरी भेष में चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि बैजू राज जी ने भी फकीरी भेष धारण कर लिया है, सन्यासिनी का भेष धारण किया है। जितने सुंदर साथ हैं हजारों की संख्या में, सबने सन्यास भेष धारण कर लिया, किस लिए? सादगी के प्रतीक के रूप में। हाँ, आजकल एक दाढ़ी रखने का रिवाज बहुत चल रहा है। देखेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम में, सन्यास में, ब्रह्मचर्य में और वानप्रस्थ अवस्था में दाढ़ी रखने की परंपरा है, सन्यास में दाढ़ी की परंपरा नहीं है। लेकिन आज का युवा वर्ग फिल्मी कलाकारों को देखकर दाढ़ी का शौक पाले रखता है। जिस युवा को देखिए उसके पास दाढ़ी है। जो महात्मा लोग होते हैं वो भी दाढ़ी रखते हैं। श्री जी ने तो कहीं दाढ़ी नहीं रखी, उन्होंने तो सिर भी मुड़वाया, दाढ़ी भी मुड़वाई। कहते हैं कि मालाएं धारण कीजिए, तो श्री जी ने माला धारण की, उदयपुर से पहले तो माला धारण नहीं की। अब प्रश्न है कि श्री जी ने तो ये कद्दू का बना हुआ तुम्बा भी लिया, लेकिन जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमा करते हैं वो तुम्बा तो लेकर नहीं चल सकते। ये माला और दाढ़ी का प्रचलन जितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, सच यह है कि हमारे धर्मशास्त्रों में कहीं भी माला और दाढ़ी का वर्णन ही नहीं है। जो मनुस्मृत जो धर्मशास्त्र है उसमें देखा जाए तो सन्यासी को सिर मुड़ाने का ही नियम है। अब श्री जी वहाँ से चलकर मंदसौर पहुँचते हैं और हर प्रसाद के यहाँ ठहरते हैं। मंदसौर में चारों तरफ मुगल सेना का डेरा था। अब श्री जी जहाँ भी जाएंगे मुगल सेना से टक्कर होगी। औरंगजेब चाहता है कि इन सभी वैरागियों को मैं पकड़वा लूँ और जो मेरे मन में है ज्ञान भी ले लूँ और हिंदुस्तान को ये बता दूँ कि देखो मैंने इनको कैद कर लिया है। उदयपुर में हमला हुआ इसीलिए, अब मंदसौर में भी ये घटना घटेगी। जब श्री जी वहाँ चर्चा करते हैं तो कुछ मुसलमान वहाँ आ जाते हैं। श्री जी की चर्चा सुनकर बहुत प्रभावित होते हैं। जब सुंदर साथ बिना एक मोहम्मद की सनंद को गाता है तो दौलत खान पठान को जोश आ जाता है, वो भाव विह्वल हो जाता है। इसी तरह से कई मुसलमानों ने वहाँ तारतम लिया। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। इब्राहिम नाम का एक मौलवी है, मुल्ला, जो कुरान का बहुत बड़ा विद्वान था, एक दिन श्री जी के चरणों में आया, चर्चा सुना, उसको बहुत अच्छी लगी। लालदास जी से बातें हुई, लालदास जी को पता चला कि कुरान का अच्छा जानकार है, तो सोचा गया कि इससे कुरान की टीका करवा ली जाए। टीका करवाने का उद्देश्य है, वैसे तो अनूप शहर में सनंद की वाणी अवतरित हो चुकी है और सनंद ग्रंथ में पूरा कुरान का सारांश आ चुका है, कुरान के गुह्य भेद आ चुके हैं। लेकिन सुंदर साथ को पूर्ण विश्वास दिलाने के लिए कि इसमें जो कुरान का हिंदी अनुवाद हो जाए तो सुंदर साथ उसको पढ़कर सनंद ग्रंथ से मिलान करके पूर्ण परिपक्व हो जाए, इसी भाव से उसका अनुवाद करवाना आवश्यक था। यदि श्री जी अपने मुख से अपने बारे में कहते तो हो सकता था किसी को पूर्ण विश्वास न हो। अब इब्राहिम से बात होती है, इब्राहिम स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैं कुरान की टीका करवा दूंगा। 16वें पारे से टीका शुरू हो जाती है। लालदास लिखते हैं
और श्री जी लेटे लेटे सुनते रहते हैं। 16वें पारे में जब टीका चल रही होती है तो एक प्रसंग आता है कि मोमिनों की जो इच्छा है, मोमिनों की प्रार्थना को अल्लाह ताला स्वीकार नहीं करेंगे। इब्राहिम कहता है कि नहीं, ये तो राफजी है, राफजी यानी भटका हुआ, ये गलत है, मैं इसको नहीं मानता। श्री जी कहते हैं कि इब्राहिम, जो लिखा है जैसा वैसे ही रहने दो, तुम उसमें हेर फेर न करो। तुम्हें नहीं मालूम कि यह बात किस प्रसंग में कही गई है। मुसलमानों में दो वर्ग हैं, एक सिया और एक सुन्नी। जो अबू बकर, उमर और उस्मान के कहने पर चलने वाले हैं वो कहलाते हैं सुन्नी, और जो हजरत अली के राह पर चलने वाले हैं वो कहलाते हैं सिया। सुन्नी कट्टर होते हैं, वो शरीयत से आगे बढ़ नहीं पाते। सियाओं में ही सूफी फकीर होते हैं जो रोज़ा नमाज हज जकात से रहित होते हैं। सिया मुसलमानों सुन्नियों को कहते हैं कि तुम इस्लाम से खारिज किए गए हो, और सुन्नी सियाओं को कहते हैं कि तुम भटके हुए हो। परिणाम क्या होता है, दोनों में खूनी लड़ाई होती रहती है। आपने देखा होगा जब ये मुहर्रम का समय आता है तो जितने सिया मुसलमान होते हैं छाती पीट पीट करके शोक मनाते हैं, क्योंकि कर्बला के मैदान में हुसैन के साथ जो अत्याचार हुआ, मजीद ने किया, मुआविया के बेटे ने, और हुसैन के छोटे बच्चे को भी तीर से मार डाला था जो बहुत छोटा दूध पीने वाला था। किसी को छोड़ा नहीं गया, पानी के लिए तड़प तड़प कर सबने प्राण छोड़ दिया, लेकिन उसको मजीद को दया नहीं आई। उसी की स्मृति में मुहर्रम का त्यौहार सिया लोग मनाते हैं, छाती पीटते हैं और ये कहते हैं कि हाय हसन हम न हुए। अब श्री जी ने कहा कि देखो, जो परमधाम की ब्रह्मात्मा होगी, यदि वो संसारिक इच्छाओं की प्रार्थना करेंगे तो राज्य उसकी पूर्ति नहीं करेंगे। कहने का भाव यह, आप राज्य से कहे कि राज्य हमको करोड़पति बना दीजिए, राज्य तो बना देंगे, लेकिन करोड़पति बनने के बाद आप कहेंगे कि अब हमें चितवनी करने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, काम बहुत ज़्यादा है, तो राज्य आपको धन क्यों दे? जिससे आप माया में इतने उलझ जाएं कि राज्य को ही भूल जाएं, तो राज्य आपकी शिक्षा को नहीं पूरी करेगी। आपका पड़ोसी से झगड़ा हो जाए और आप मेहर सागर पाठ करके कहे कि ये राज्य, ये मेरा पड़ोसी झगड़ा करता है, इसका नाश कर दीजिए, तो राज्य उसका नाश क्यों करेंगे? हो सकता है उसके अंदर भी परमधाम की आत्मा हो। तो जो गलत प्रार्थना आप करेंगे दूसरे के नाश के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, राज्य वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रसंग ये था, यदि आप अपनी आत्मा की जागृति के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरे के कल्याण के लिए करेंगे, तो अवश्य सुनी जाएगी। अब इब्राहिम को बात समझ में आ जाती है, टीका का काम पुनः शुरू होता है। 16वां, 17वां, 18वां, 19वां पारा पूरा हो जाता है, पुनः 30वां पारे से 30वें पारे की टीका होती है, और तब अलिफ लाम मीम जो पहले सिपारे से होकर पूरा होकर दूसरा, तीसरा, चौथा पारा चल रहा होता है। इसी में इब्राहिम के मन में पाप आ जाता है। वह सोचता है कि ये हिंदू वैरागी हैं, इनको मैं कुरान की टीका क्यों करवाऊँ, ये तो काफिर हैं। उसके अंदर का शैतान जाग जाता है और वो लड़ने लगता है कि जो मैंने टीका करवाई है वो वापस दे दो, क्योंकि तुम गैर मुस्लिम हो और गैर मुस्लिम को कुरान पढ़ने की इजाज़त शरीयत नहीं देती। लालदास जी ने कठोर शब्दों में उत्तर दे दिया कि जो टीका हमारे पास है हम उसको नहीं देंगे। उसने कहा कि मैं जाकर के जो शाही फौज है उसमें जाकर शिकायत करूँगा, और ऐसा करते हुए वह चला गया। कठोर शब्द बोलते हुए श्री जी शांत बैठे हुए चुपचाप देख रहे थे। अंत में जिन सुंदर साथ, जिन मुसलमानों ने तारतम ले लिया था, दौलत खां पठान, नूर मोहम्मद, देखा कि श्री जी चिंता मग्न से बैठे हैं, आकर के पूछता है कि क्या बात हुई। श्री जी से सारी बात मालूम करके नूर मोहम्मद जाता है, और जो उसके घर था उसके घर जाकर कठोर शब्द में पुकारता है कि
निकल करके घर से बाहर आओ। अब जो है जो इब्राहिम उस समय घर पर तो होता नहीं, उसकी पत्नी होती है, वो बताती है कि वो किसी का निकाह कराने गए। नूर मोहम्मद वहाँ भी पहुँच जाता है लाठी लेकर के कंधे पर और वहाँ गालियाँ देता है, इब्राहिम यदि रसूल की सौगंध यदि तूने हमारे हादी को जिस तरह से दिल दुखाया है जाकर माफ़ी नहीं मांगता तो मैं इस दुनिया से तुझे विदा कर दूंगा। वो तो उस समय हाथ जोड़ लेता है, फिर सवेरे सवेरे आकर श्री जी के चरणों में शीश झुका देता है, रोने लगता है, एक एक सुंदर साथ के चरणों में गिर करके माफ़ी मांगता है कि अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ़ किया जाए। वहाँ सुंदर साहब से तो माफ़ी मांग लेता है लेकिन उसके मन में खोट भरा ही है। उसका भाई आकर, इब्राहिम का भाई आकर पांचवा पारा पूरा कर देता है। अब शाही फौज चारों तरफ से घेर लेती है। आप सोचिए, गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि जो कट्टर मुसलमान हो जिनको कुरान की वास्तविकता पता नहीं, यदि ये जैसे हाथ पैर तेल लगा लिया जाए और सरसों में डाल दीजिए, जितने सरसों उस पर चिपक जाए, गुरु गोविंद सिंह का कथन है, उतनी बार भी कट्टर सुन्नी गर्म तवे पर बैठकर कुरान को सिर पर रखकर भी कसम खाएं तो भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब देखिए, वो इब्राहिम वहाँ कसम खाता है कि आप जो आदेश देंगे हम करने के लिए तैयार हैं। उधर जाकर के कसम अपनी तोड़ देता है और जाकर शाही फौज में शिकायत कर देता है कि ये हिंदू वैरागी हैं, कुरान की टीका करवा रहे हैं, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देगी, आप इनको कैद करके कैदखाने में डाल दीजिए। आप सबको पकड़ने के लिए सेना लग जाती है, राज्य की कृपा। सब सुंदर साथ को श्री जी आदेश देते हैं कि एक जगह कोई भी नहीं रहेगा, सब लोग अलग अलग फैल जाओ। पूरे मंदसौर नगर में सारे सुंदर साथ फैल जाते हैं, एक तो नहीं है, है संख्या हजारों में, लेकिन राज्य की कृपा एक दो महीने भी नहीं रहते हैं, 8 महीने मंदसौर में रहते हैं। और जानते हैं क्या होता है, खाने की क्या व्यवस्था है, घर घर जाकर सबको भिक्षाम दे कहना पड़ता है, भिक्षा दीजिए माता, भिक्षा दीजिए। कितना कठिन काम है। भीम भाई जैसे वेदांत के आचार्य हैं, लालदास जी जैसे करोड़ों पति जिनके दरवाजे पर सैकड़ों लोग भोजन किया करते थे, अब वो वैरागी बन चुके हैं, वो भी घर घर जाकर भिक्षा पात्र लेकर के भिक्षा मांग रहे हैं। कहावत कही जाती है, मांगन से मरना भला, लेकिन अवस्था ऐसी है कि सबको भिक्षा मांगनी पड़ रही है। एक जगह सब लोग श्री जी शाम को बैठे रहते हैं, शाम को सब सुंदर साथ अपनी अपनी भिक्षा की झोली ला करके देते हैं। बाईजूराज जी सबके भिक्षा में मिले हुए सामान को एकत्रित करती हैं और सबको जिसकी जैसी आवश्यकता होती है सबको प्रसाद बांटा जाता है। जिन परम धाम के ब्रह्मणियों से ये ब्रह्मांड पवित्र हुआ है, वो परम धाम के ब्रह्मणि घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे हैं और 8 महीने तक ऐसे ही गुजारा किया जाता है। सोचिए, आज तो हम घरों में हैं, सभी सुख सुविधाओं से युक्त हैं, हमारे पास गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, वातानुकूलित कक्ष है, हमें तो कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ता। हम जब चाहते हैं तब टीवी पर बैठे हुए चर्चा सुन लेते हैं। उन सुंदर साथ को देखिए कि सिर पर कफन बांधकर तो पहले दिल्ली में औरंगजेब से लड़े, उदयपुर में भी संकट झेला, मंदसौर पहुँचे हैं, वहाँ भी सेना ने ऐसा हल कर दिया कि सारे सुंदर साथ को घर घर जाकर के भिक्षा मांगनी पड़ रही है। ये अवस्था क्यों की गई थी? क्योंकि परम धाम का सुख मिलना है पद्मावतीपुरी धाम में। सब सुंदर साथ यदि कसौटियों से गुजरेंगे, संघर्ष किए रहेंगे तो वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। परम धाम का सुख देने से पहले सबको इस तरह से तपाया जा रहा है। तपाने का तात्पर्य क्या है?
जब मनुष्य अहंकार से रहित हो जाता है तभी उसको अखंड की संपदा मिलती है। जब सब तरह से हृदय टूट जाए, इंद्रावती जी कहती हैं, तब हार के धनिये बिचारिया मैं क्यों छोड़ू अपनी अर्धन, फिर बैठे महिम आसन कर महामती हृदय अपंग। जब आपका हृदय संसार से टूट जाए, आपको धन की गरिमा का अहंकार समाप्त हो जाए, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने कुल का सारा अहंकार समाप्त हो जाए, तब तो राज्य की कृपा होगी। अब घर घर जाकर सबको भिक्षा मांगनी पड़ रही है, लालदास जी को, भीम भाई को, चिंतामणि जी को, सबको, तो सबके मन में जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था वो भी समाप्त हो गया। इसलिए राज्य ने ऐसी लीला की 8 महीने के पश्चात अब सब सुंदर साथ चलने के लिए प्रस्थान करते हैं भाव सिंह के पास, क्योंकि श्री जी ने जब रामपुरा गांव में पुरमन चारण के यहाँ ठहरे थे तभी से मुकुंद दास जी को भेज दिया था औरंगाबाद के राजा भाव सिंह को जागृत करने के लिए। और आप जानते हैं कि जिन 12 सुंदर साथ को औरंगजेब के दरबार में कष्ट झेलना पड़ा था, मुकुंद दास जी भी हंसी उड़ाया करते थे, आखिर ब्याज सहित उनसे भी तो वसूला जाना था। मुकुंद दास जी को एक परीक्षा में अभी भेजा जा रहा है, आप देखिए दिल्ली से ज़्यादा सजा मुकुंद दास को भोगनी पड़ेगी। इसलिए कभी किसी सुंदर साथ पर हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि किसी ब्रह्मणि पर आप हंसी उड़ाएंगे तो दंड आपको अवश्य मिलेगा। कल की चर्चा में आप सुनेंगे कैसे औरंगाबाद में मुकुंद दास जी भाव सिंह की जागनी का कार्य करते हैं, भाव सिंह की आत्मा जागृत होती है, कैसे कैसी वहाँ लीला होती है। और इस मंदसौर के बीतक ने सारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया है कि जब भी हम भोजन करें, आज तो हम अभी बीतक में जहाँ तक मैं सुना करता हूँ कई जगह 56 भोग भी लगाए जाते हैं। अच्छा है, आप के पास धन है, भोग लगाइए, राजी को रिझाइए, आप कह सकते हैं, मैं भी कहता हूँ, आपको लगाने का अधिकार है। लेकिन भोग लगाकर खाते तो आप ही हैं, खाने से पहले एक बार सोच लीजिए कि जिन सुंदर साथ ने मंदसौर में 8 महीने भीख मांगी है, जिन सुंदर साथ ने पैदल चल चल कर सूरत से पैदल चल चल करके मेड़ता होते हुए दिल्ली आए, हरिद्वार आए, पुनः दिल्ली से उदयपुर आए, अब मंदसौर पहुँचे हैं, मंदसौर से औरंगाबाद पहुँचेंगे, रामनगर पहुँचेंगे, पैदल चलते हुए भिक्षा मांगते हुए पन्ना जी पहुँचे हुए हैं। 19 सुंदर साथ की कृपा दृष्टि से, उनके तप त्याग से आज हमको घर बैठे ब्रह्मवाणी मिल रही है। इसलिए जब कोई अच्छा पदार्थ आप खाते हैं तो ये भी देख लीजिए कि मेरे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है। किस तरह से पानी की तरह से पैसे उड़ाए जाते हैं, और ये कहने में मुझे झिझक कोई नहीं है कि अभी श्री मिहराज के तन के इस संसार में प्रकट होने के 400 साल पूरे होने जा रहे हैं, उसमें पूरे देश में बड़े बड़े कार्यक्रम बनाए गए, और सारे कार्यक्रमों का हिसाब यदि देखा जाए तो सही तरीके से खर्च किया गया होता तो वो कार्यक्रम भी हो जाते, और एक विश्वविद्यालय को बनाने में जो 15-20 करोड़ का खर्चा होता है, एक छोटा सा विश्वविद्यालय तो बन ही सकता था। उस विश्वविद्यालय से हजारों विद्वान तैयार होते जो ब्रह्मवाणी को सारे देश में फैला सकते थे। इसलिए हम धन की फिजूल खर्ची को रोकें, शान शौकत वाले कार्यक्रमों को न करें, हम धन को लुटाएं नहीं, लेकिन यह सोचें कि किसी उद्योगपति ने, धनवान ने हमको ये पैसा भी दिया है तो उसके पास भी धन आया है, तो किसी मजदूर ने दिन रात काम किया है तो किसी उद्योगपति के पास पैसा पहुँचा है। यदि कोई उद्योगपति हमको 50 लाख 1 करोड़ रुपया दे देता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उसको पानी की तरह उड़ा दें। हम उस धन का उपयोग शिक्षा में लगाएं, साहित्य में लगाएं, जो गरीब सुंदर साथ हैं उन तक साहित्य फैलाएं, ब्रह्मवाणी की ज्योत को सबके हृदय में फैलाएं। यदि हम संसार के लोगों की देखा देखी, बड़े बड़े उत्सव मनाएंगे, शान शौकत दिखाएंगे, और फिजूल की शोभा यात्राओं में, सोने चांदी के कलशों और सिंहासनों में, और टेंटों की सजावट में पानी की तरह धन खर्च करते हैं, तो इसका कोई भी
लाभ विशेष मिलने वाला नहीं है। आने वाली पीढ़ी जब इन कार्यों की समीक्षा करेगी तो अवश्य ही हमें कोसेगी। आवश्यकता यह है कि हम धन की फजूल खर्ची को बचाकर हम अधिक से अधिक जितने हम विद्वान तैयार कर सकते हैं गरीब सुंदर साथ तक वाणी का साहित्य पहुंचा सकते हैं वह पहुंचाएं, क्योंकि हमें ये 8 महीने जो भिक्षा मांगी है सुंदर साथ ने उस घटना को हमेशा याद रखना चाहिए। आज हम घरों में बैठकर अपने अपने वातानुकूलित मंदिरों और आश्रमों में रहकर उस पीड़ा को नहीं जान सकते कि किस तरह से भीम भाई ने, किस तरह से चिंतामणि जी ने, किस तरह से लालदास जी ने घर घर जाकर के सबके घर भिक्षा मांगी होगी। और भिक्षा का कार्य कितना कठिन होता है ये मांगने वाला भुक्तभोगी ही जानता है। अनेक घरों से तो भिक्षा मिलती ही नहीं, कितने लोग दुत्कार कर भगा देते हैं। जो नवयुवक हो उसकी तो आफत आ जाती है, हर कोई कहता है कि नौजवान हट्टा कट्ठा है, खाने को नहीं मिलता, महात्मा बन जाते हैं। ये अपने संन्यास जीवन में मैंने जीवन में कितनी बार सुना है। बिना मांगने पर भी दुनिया राह चलते भी गाली दे करके कहती है कि देखो खाने को नहीं मिलता, महात्मा बन जाते। इसलिए जिनके पास सेवा का धन आता है राज्य के नाम पर, उनको एक नैतिक अधिकार नहीं मिल सकता राज्य की तरफ से कि वो पैसे को बर्बाद करें। जो धन आया है उसका अपने लिए मोह न रखें, लेकिन वो धन समाज का है और समाज की शिक्षा में, ब्रह्मवाणी के फैलाव में उस धन को खर्च करना चाहिए। व्यर्थ की शोभा यात्राएं, व्यर्थ की सजावट कभी जागने का लक्ष्य पूरा नहीं करेंगे। मेरी ये बातें कड़वी अवश्य होगी, लेकिन कोई एकांत में सोचेगा तो यही लगेगा कि ऐसा ही करना उचित है। आप उस गरीब की पीड़ा समझिए जिसके पास धन नहीं है कि साहित्य खरीद सके। आप जितना पैसा सजावट में खर्च कर रहे हैं उस गरीब के हाथों में वाणी का एक कोई साहित्य दे देंगे तो वो ज़्यादा पुण्य का काम होगा। आप अपने मंदिरों में कितने अच्छे अच्छे व्यंजन खाते हैं, कई प्रकार की मिठाइयाँ खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं। कभी आपने सोचा है कि श्री जी भिक्षा में आए हुए भीख के टुकड़ों को खाया करते होंगे? आप तो 4 प्रकार की सब्जियां बनाकर राज्य को रिझाने के नाम पर खुद खा लेते हैं। जिसके तन में बैठकर अक्षरातीत ने लीला की हो वह त्वन भिक्षा में मिले हुए भोजन को ग्रहण कर रहा है, और आप किसी मंदिर के महाराज बनकर के, आप किसी मंदिर में रहकर, आश्रम में रहकर 56 भोग लगाकर खुद को, अपनी जीवा को ही तो संतुष्ट कर रहे हैं। आप गरीब दीन दुखियों को क्यों नहीं खिलाते? उन बच्चों को भी तो देखिए जो भूख से तड़प रहे हैं। इस देश में लाखों लोग भूख से तड़प रहे हैं। यस, आप कह सकते हैं कि हम शहर में रहते हैं, हम कहाँ से खोजने जाएं गरीबों को? भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ गरीब न मिलते हो। ठीक है, आप ज़्यादा कष्ट नहीं उठा सकते, हर शहर में कुछ न कुछ गरीब मिलते हैं। आप खाइए 56 भोग, लेकिन उसका कुछ अंश तो गरीबों को दे सकते हैं। यदि आप नहीं दे सकते, गरीब को साहित्य नहीं पहुंचा सकते, तो मैं यही कहूंगा कि ये सब कुछ मात्र दिखावा है, कर्मकांड है, और राज्य ऐसे 56 भोगों को कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। किसी भूखे को देखकर आपका हृदय द्रवित नहीं होता है, आपके हृदय में करुणा नहीं जागती है। मानवता के लिए आपके हृदय में कोई करुणा नहीं है, प्रेम की प्यास नहीं है, तो आपका धर्म प्रचार मात्र एक दिखावा है। मेरा यह कट वचन शायद उन बड़ी बड़ी हस्तियों तक पहुंच जाए जिनके पास करोड़ों की दौलत है, लेकिन वो ये नहीं सोच रही है कि आने वाले समय में धर्म प्रचार का क्या होगा। यदि बड़े बड़े उत्सव मनाने में 1 करोड़ रुपये खर्च हो जाएंगे तो वाणी को फैलाने वाले विद्वान कब तैयार होंगे? कब संसार में ब्रह्मवाणी का डंका बजेगा? आप गाते तो हैं कि बानी गर्जत माज संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, मूढ़ मतीना जाने विचार, महामत कहे पुकार पुकार। अभी तो नहीं दिख रहा है कि वाणी की गर्जना हो रही है। अभी तो पन्ना के आसपास के सभी लोग नहीं जानते हैं कि प्राणनाथ जी कौन है। सारे देश में तो क्या, मध्य प्रदेश के भी सभी जिलों के लोग प्राणनाथ जी के बारे में नहीं जानते हैं। तो हम पूरे देश के कन्याकुमारी से लेकर ये कश्मीर तक, और उधर सिंध से लेकर ही असम तक, सिंध से लेकर ब्रह्मपुत्र तक कहाँ से वाणी को फैला पाएंगे? पूरी दुनिया में फैलाने की बात तो दूर है, हम तो सारे हिंदुस्तान में भी नहीं फैला सके हैं।
जो नए नए पंथ निकल रहे हैं, उनके ज्ञान का डंका सारी दुनिया में फैल रहा है, जब उनके पास तात्विक ज्ञान नहीं है और आपके पास तो सर्वोच्च ज्ञान है, लेकिन हमारी शैली जो प्रस्तुतिकरण की है वो अच्छी नहीं है, जिसके कारण संसार हमारी वाणी को गहराई से नहीं सुन रहा है। इसके लिए हमें अपनी कमजोरियों को दूर करना होगा। जिन रूढ़िवादी मान्यताओं का हम पोषण कर रहे हैं और उनको निभाने में ही हम धन का अपव्यय कर रहे हैं, उसको यदि हम हटा दें तो वाणी के प्रचार का लक्ष्य सरलता से पूरा हो सकता है। अब समय पूरा होता है, कल आप सुनेंगे औरंगाबाद के भीतर, और वहाँ से वैसे तो कल छत्रसाल जी का मिलाप है, छत्रसाल जी और श्री जी का मिलाप है, वो मिलाप कराकर तब आगे की चर्चा की जाएगी। छुपाई दूर है। श्री महामति कहे ऐ मोमिनो, श्री ए मंदसौर की बीतक, अब यहाँ से आगे चले सो कहो हुकम हक, सो कहो हुकम हक, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।